इस वीडियो के नीचे सब्सक्राइब बटन पर क्लिक कीजिए और दबाइए इस बेल आइकन को हमारे लेटेस्ट वीडियो के अपडेट के लिए बिल्कुल फ्री। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त अनिल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल इजी सॉफ्टवेयर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा डबल डायमेंशन एरे में कैसे एडिशन कर सकते हैं और कैसे सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। दोस्तों, इसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा, यदि आपको सिंगल डायमेंशन एरे में एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन बनता है तो दोस्तों सिर्फ इसमें एक लाइन चेंज कर देने से वो डबल डायमेंशन हो जाएगा। लेकिन दोस्तों, यदि आपको सिंगल डायमेंशन एरे में नहीं बनता है एडिशन सब्ट्रैक्शन, तो मैंने उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। पहले आप प्लीज़ उसे देख लीजिए, फिर ये वाला वीडियो आपको बहुत ही आसानी से समझ आ जाएगा। चलिए तो फिर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, मेन फंक्शन को लिखेंगे और कर्ली ब्रैकेट को ओपन एंड क्लोज कर देंगे। अब लेते हैं सबसे पहला एरे, एरे का नाम दे दिया दोस्तों मैंने ए, और यहाँ पे 3x3 का बना लेते हैं दोस्तों, मतलब 3 रो 3 कॉलम। यहाँ पे ब्लॉक बनाएंगे, 3 रो है तो कितने बॉक्स बनेंगे दोस्तों, 3 बनेंगे। ये दूसरा हो गया और ये तीसरा हो गया। कॉलम कितने हैं दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं। मैं सब कुछ ये बता चुका हूँ दोस्तों इसके पहले वाले वीडियो में कि ये कैसे सब बनाते हैं, आप देख लीजिएगा यदि आपको समझ नहीं आ रहा है तो। कॉलम 3 है, मतलब हर बॉक्स में कितने एलिमेंट आएंगे, 3 एलिमेंट आएंगे। इसमें भी मैं क्या कर देता हूँ, 3 एलिमेंट पास कर दिया। इसके बाद दोस्तों क्या बनेंगे, हम दूसरा एरे बनाएंगे, इसको भी सेम ऑर्डर का बनाना पड़ेगा, 3x3 का, 3 रो है तो 3 बॉक्स बन जाएंगे। कॉलम कितने हैं, 3 है तो हर बॉक्स में कितने एलिमेंट आ जाएंगे दोस्तों, 3 एलिमेंट आ जाएंगे। चलिए इसमें भी 3 एलिमेंट दे दिया मैंने, इसमें भी 3 एलिमेंट पास कर देते हैं। आप अपनी इच्छा अनुसार दोस्तों कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैं एक एग्जाम्पल बता रहा हूँ। और यहाँ पे एक तीसरा एरे लेंगे दोस्तों, इसको सिर्फ डिक्लेरेशन करके छोड़ देंगे दोस्तों। यहाँ पे अब आपके दिमाग में एक क्वेश्चन चलना चाहिए कि इसको क्यों डिक्लेयर कर रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे सिंपल सा कंसेप्ट है, हम एरे का एडिशन कर रहे हैं तो ए के एलिमेंट को और बी के एलिमेंट को हम कहाँ पर ऐड करेंगे, सी में स्टोर करते जाएंगे और उसको प्रिंट करते जाएंगे। अब चलिए मैं आपको बता रहा हूँ कैसे ऐड करेंगे और कैसे प्रिंट करेंगे। तो सबसे पहले दोस्तों, ये डबल डायमेंशन एरे है तो इसमें आपको नेस्टेड फॉर लूप का यूज करना पड़ेगा। रो कितने हैं, 3 हैं तो 0 से स्टार्ट होगा, 3 तक जाने के लिए आपको 2 तक कंडीशन लगाना पड़ेगा क्योंकि 3 रो हैं तो 0, 1, 2 3 रो हो जाएंगे। अब उसके बाद कॉलम कितने हैं, 3 हैं तो अंदर वाला फॉर लूप दोस्तों कॉलम को रिप्रेजेंट करता है तो इसको हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 0 से। इसका भी कंडीशन कहाँ तक जाएगा, 2 तक, और J++ ये भी 1 से बढ़ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे बहुत सिंपल सा सिर्फ एक लाइन में एडिशन हो जाता है दोस्तों, CIJ। दोस्तों इससे पहले मैं आपको बता रहा हूँ सिंगल डायमेंशन एरे में क्या लिखते हैं, CI = AI + BI लिखते हैं। ये हो गया दोस्तों सिंगल डायमेंशन एरे का एडिशन। जस्ट इसी में देख लीजिए क्या ऐड कर दीजिए, सिर्फ जे ऐड कर दीजिए तो ये क्या हो जाएगा, डबल डायमेंशन एरे में कन्वर्ट हो जाएगा। बस अब उसके बाद क्या कीजिए, हम यहाँ पे सी को प्रिंट कर देंगे, हो जाएगा एडिशन। यहाँ पे CIJ प्रिंट कर देंगे तो दोस्तों हम देख लेते हैं ये प्रोग्राम सही है कि गलत है चला के। तो दोस्तों आप यहाँ पे एलिमेंट को आप चेक कर सकते हैं सही है कि प्रोग्राम गलत है। 7 + 4 कितना हो जाएगा, 11, 8 + 5 = 13, 9 + 6 = 15। इसी तरीके से आप दोस्तों ऐड करके देख सकते हैं सारे एलिमेंट सही तरीके से ऐड हो चुके हैं दोस्तों। अभी देख लीजिए ये डबल डायमेंशन एरे है लेकिन अभी 9 एलिमेंट एक ही लाइन में प्रिंट हो रहे हैं। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि इसको कैसे मैट्रिक्स में कन्वर्ट कर सकते हैं दोस्तों। सिर्फ एक लाइन यहाँ पे अंदर वाले फॉर लूप के बाद आप सिर्फ क्या कीजिएगा, प्रिंटफ में स्लैश एन दे दीजिएगा। उसके बाद देखिए मैजिक दोस्तों, इतना अच्छे से किस में कन्वर्ट हो गया, मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो गया। लेकिन अभी आपको ये अच्छा मैट्रिक्स नहीं दिख रहा है दोस्तों क्योंकि ये ऊपर वाले जो आउटपुट है उनका विड्थ 2 है, मतलब 2 डिजिट के हैं, और बीच वाला है सिंगल डिजिट का है, इसीलिए उतना अच्छे फॉर्मेट में नहीं दिख रहा है। तो फिर भी इसे कैसे अच्छे फॉर्मेट में कन्वर्ट कर सकते हैं उसके लिए देखिए %2D कर देते हैं यहाँ पर। अब देख लीजिए सारे एलिमेंट अच्छे तरीके से जमे नज़र आएंगे। ये इसलिए हो रहा है दोस्तों, यहाँ पे जो 2 लगाया हूँ ना वो आउटपुट का विड्थ है, मतलब यदि सिंगल डिजिट भी होगा ना तो अब वो कैसा कन्वर्ट करेगा दोस्तों, उसको 2 डिजिट में कन्वर्ट करेगा, उसको एज ए 2 डिजिट कंसीडर करेगा।
देख लीजिए, यदि आपको प्रिंट भी करके देखना है डिजिट को, मतलब बिल्कुल यदि सिंगल डिजिट है तो वहाँ पे जीरो प्रिंट हो जाएगा, परसेंट जीरो टू डी कर दीजिए तो आपको पूरा सही से यहाँ पे दिखने लगेगा। ये बिल्कुल आपको करेक्ट फॉर्मेट में हो गया है। अब दोस्तों यदि इसी में सबट्रैक्शन करना है तो ये तो आप भी अपने से बता सकते हैं, प्लस के जगह आप सिर्फ क्या कर दीजिए, माइनस कर दीजिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डबल डायमेंशन एरिया का क्या आ गया दोस्तों, यहाँ पर सबट्रैक्शन हो चुका है। दोस्तों इसके बाद भी यदि इस वीडियो में कोई ऐसा पॉइंट है जो आपको नहीं समझ आया तो प्लीज़ इस वीडियो के नीचे कमेंट कीजिएगा, हम जरूर उसका रिप्लाई करेंगे। और हाँ दोस्तों, अभी तक हमारे चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। इससे बेनिफिट दोस्तों ये होगा कि हमारे आने वाले जितने भी वीडियो हैं सबसे पहले आपको मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच।